हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी अंकिता दत्त। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट ड्यू डेट इन द मंथ ऑफ जुलाई 2018। कौन सी ऐसी ड्यू डेट है जो आपको टैक्सेस पे करने के लिए अपने कैलेंडर में मार्क कर लेनी चाहिए और जिससे कि आपको अपने टैक्सेस में पे करने में ईजी रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कौन से ऐसे ड्यू डेट हैं। सबसे पहले अगर आपको जून 2018 के लिए आपको अपने TDS और TCS जो आपने कलेक्ट किए हैं उसका चालान फॉर्म ITNS 281 के साथ आपको 7 जुलाई 2018 तक आपको पे कर देना है। उसके बाद है आपको एज ए एम्प्लॉयर PF और ESI का कंट्रीब्यूशन करना है, तो आपको जून 2018 मंथ के लिए 15 जुलाई 2018 तक आपको PF और ESI का कंट्रीब्यूशन कर देना है। और फिर आता है अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल करना है फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए, तो इसमें आ जाता है आपको आपको अपना रिटर्न जो है 31 जुलाई 2018 तक फाइल कर देना है। अगर आप कॉर्पोरेट SSC हैं और नॉन कॉर्पोरेट SSC हैं जिनका ऑडिट होनी रिक्वायर्ड है, या कोई ऐसे वर्किंग पार्टनर है जिनकी बुक्स की ऑडिट होनी है, और कोई ऐसे SSC हैं जिनको अपने रिपोर्ट फर्निश करनी है सेक्शन 92E की, तो उन सबको ये 31 जुलाई 2018 की ड्यू डेट लागू नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट नेक्स्ट पे देखते हैं। उसमें अगर आपको अपना क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना है TDS का अप्रैल टू जून 2018 के लिए, तो आपकी जो ड्यू डेट रहेगी वो 31 जुलाई 2018 रहेगी। उसके बाद आता है ड्यू डेट अंडर GST। GST के अंदर कौन सी ऐसी ड्यू डेट है? GSTR 1, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है और आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, तो आपको फॉर द क्वार्टर अप्रैल जून 2018 के लिए आपकी जो ड्यू डेट रहेगी वो 31 जुलाई 2018 रहेगी। और अगर आपका GSTR 1 है और आपका जो टर्नओवर है वो एक्सीड करता है 1.5 करोड़ से, तो आपको जून 2018 के लिए आपका जो रिटर्न भरना है उसकी ड्यू डेट रहेगी 10 जुलाई 2018 रहेगी। उसके बाद है आप GSTR 3B, जिसमें आप अपना जून 2018 का आप अपना रिटर्न भर सकते हैं 20 जुलाई 2018 के लिए। अगर आप अपने कंपोजिशन डीलर हैं और आपने ऑप्ट की है कंपोजिशन स्कीम GST के अंदर, तो आपको जो अपना रिटर्न भरना है फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून 2018 वाले का 18 जुलाई 2018 तक भरना है। अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको GSTR 6 भरना है। और कौन से पीरियड के लिए? जुलाई 2017 से जून 2018। ये पीरियड बहुत स्पेसिफिक है, तो इसका आप ध्यान रखिए। जुलाई 2017 से जून 2018 तक आपको अपनी इनपुट सर्विसेज जो आपने डिस्ट्रीब्यूट की है उसका अपना डिटेल भरना है, वो भरना है 31 जुलाई 2018 तक। उसके बाद आता है GSTR 5, जो आप नॉन टैक्सेबल, अगर आपने टैक्सेबल रजिस्टर्ड पर्सन हैं, तो आपका नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, तो जून 2018 मंथ के लिए आपको रिटर्न फाइल करना है वो 20 जुलाई 2018 तक भरना है। उसके बाद हम देखते हैं आपका आता है अगर आप ऐसे नॉन रजिस्टर्ड फॉरेन टैक्सपेयर हैं, नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्सपेयर हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए इंडिया में आए हैं, उन्होंने सप्लाईज की है, तो उनको जून 2018 मंथ के लिए 20 जुलाई 2018 तक अपना रिटर्न फाइल करना है। और उसके बाद आता है आपका ITC 4। ITC 4 उन पर्सन्स को फाइल करना होता है जो एज ए मैन्युफैक्चरर अपने जॉब वर्कर को इनपुट और कैपिटल गुड्स अब ट्रांसफ़र करते हैं जॉब वर्क के लिए, तो उनको ITC 4 फाइल करना है और जून 2018 के लिए फाइल करना है। और उसकी जो लास्ट डेट है वो 25 जुलाई 2018 है। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये शेयर करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने कलीग्स के साथ, तो आप ये ट्विटर, फेसबुक और इस बटन को प्रेस करते ही आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अपने कमेंट्स अपने कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मुझे आपके व्यूज़ पता चले। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।